मुझे बताया गया है कि जॉब फेयर्स वगैरह भी लगते हैं और बहुत सारे कॉरपोरेशन और बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों को जॉब देते हैं। और हमसे भी कोई पूछे तो मैं तो अपील करना चाहूंगा कॉरपोरेट जगत के लोगों से भी और औद्योगिक इकाइयों से भी, जो आपको संस्था में जिसकी भर्ती करनी है पक्का कर दो, निश्चित कर दो, इतने परसेंट हमारे सेना के रिटायर्ड जवान और रिटायर्ड अधिकारी होंगे, कोई पक्का कर दो कि हमारी संस्था में इतने लोग होंगे ही होंगे। मैं अपील कर सकता हूं इस समय, कोई आदेश नहीं दे सकता। और मुझे बताया गया है कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ जो रीसेटलमेंट डीजीआर काफी ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स हैं उनके द्वारा ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही है। बहुत सारी चीजें मुझे बताई गई हैं कि जो जो चीजें हो रही हैं वेटरन्स भाइयों के लिए डिजिटल इंडिया के तहत भी ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं, स्मार्ट कैंटीन कार्ड और यक्स सर्विस मैन के लिए आइडेंटिटी कार्ड आदि ये सब भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पेंशन सिस्टम को भी ऑनलाइन करने की बात चल रही है। क्यों रावत जी, यह है ना, यह भी करने की बात चल रही है। ईपीपीओ और अब तो आप ही लोगों के बीच से ही अब सीरियस बैठे हैं तो अब क्या पूछना। हाँ, लेकिन ऐसा मत मान लीजिएगा कि अभी बेचारे जो चाहेंगे वो सब कर लेंगे, अभी इनकी भी सीमाएं होती हैं, बहुत सारे कई बार हाथ बंधे रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपी रावत के प्रति, कि अपने वेटरन्स के प्रति इनके मन में भी कितना सम्मान रहता है, ये मैंने देखा है। शायद उन्होंने इसी के सोचा होगा कि नहीं तो आर्मी चीफ हमारे साथ आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं चलूंगा, ये वेटरन्स का कार्यक्रम था, इसीलिए जनरल बिपिन रावत जी ने सोचा कि मैं चलूंगा वेटरन्स के कार्यक्रम में सीरियस। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाव क्या है जो बैठे हुए हैं लोग जगह जगह पर, आपकी जो तरह तरह की ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायतें होती हैं, उनके निराकरण के लिए, उनके हाइड्रेशन के लिए भी हेल्पलाइन वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, पॉली क्लिनिक वगैरह है जो चल रही है, कैसी चल रही है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे कैसा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तीन बड़े भव्य एडवांस स्टेज के हॉस्पिटल्स बनाने का निर्णय दिल्ली, चंडीगढ़ और पुणे में सोचा है, ताकि वेटरन्स के इलाज के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित हो सके। इस साउथ वेस्टर्न कमांड के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा और मैं बधाई देना चाहता हूं कमांडर इन चीफ जनरल क्लेर को और सारे उनके ऑफिसियल्स को, वेटरन्स के साथ इंटरेक्शन इनका लगातार चलता रहता है, ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जिंदा संपर्क बनाकर अपनी या रखने की भरपूर ये कोशिश करते हैं, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसी पहल जितने भी कमांड हैं सभी कमांड्स के द्वारा की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कुछ होती भी होगी। और इसलिए आज के अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, बस इतना ही कहना चाहूंगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाने के बाद, बहुत सारी चीजें जो हम लोग पहले सोचते थे अब वो करने में बहुत सुविधा रहेगी। ज्वाइंट मेंबरशिप तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होगी ही, आर्मी नेवी और एयर तीनों के बीच, अन्य भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और यह इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि हमारा देश तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ अब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं और इसी लक्ष्य को नहीं हासिल करना चाहते, ख्वाहिश तो यह है कि 2030 आते आते
हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था के आकार इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप थ्री कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाए, ख्वाहिश तो हमारी है। तो जब देश जब आगे बढ़ता है तो देश की जियोपॉलिटिकल जो रोल्स होते हैं, जो भूमिकाएं होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो देश को आगे ले जाना है हमको, देश की जियोपॉलिटिकल भूमिका की चिंता करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए आप लोगों में से ही एक व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी दी। इसलिए यह जिम्मेदारी दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री में जाइए, डिपार्टमेंट डिफेंस सेक्रेटरी और वो सब सारी चीजें होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नहीं था। आजाद भारत के इतिहास में साउथ ब्लॉक में अब डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बन गया है, काम करना शुरू कर दिया है। और यह इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि आर्म फोर्सेस में रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूजेज की तरफ बढ़ने में यह व्यवस्था हो जाने के कारण ऑप्टिमल यूजेज हो सके हमारे रिसोर्सेज, हमको काफी सुविधा होगी, कामयाबी होगी ये सीडीएस का पद हो जाने के कारण। और भी कुछ सोचा है कि जो हमारे जेसीओज हैं, पहले 1000 में 12 उनको उनका प्रमोशन होता था, यही था ऑनरेरी रैंक, अब वो 12 से बढ़ाकर बढ़ाया जाए, आगे कुछ 15 किया जाए। इस दृष्टि से भी हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इसमें विचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दृष्टि से हम आगे काम भी कर रहे हैं। और आगे तो इस अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, मकर संक्रांति है, लोहड़ी का भी पर्व है, आज है यहां की कल है, कल है, आज भी है। तो देखिए ये भी अच्छा मुहूर्त है, जबकि आप सबके बीच यहां पर हो रही, तो मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंत में पुनः हृदय की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।